ये मॉस्को रूस से इनकी शुरुआत हुई है। इसकी खूबी दोस्तों केवल इतना सा मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है और ज्यादा गहराई पे जाने की जरूरत इसलिए नहीं है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले से भी जानते हैं। यदि किसी ने पवन ऊर्जा का नाम सुना होगा तो पवन ऊर्जा के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वही एक दूसरा प्रारूप इसका नया मॉडल है जिसका नाम है वीटर। तो देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए बहुत आसान तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की खूबी ये है, जहां पर भी लगाई जाएगी तो केवल अकेला टावर के रूप में ये टेक्नोलॉजी खड़ी नहीं होगी, जहां पर भी लगाया जाएगा इनके चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, जिनके बीच में एक एंगल के साथ में यानी कि एक रॉड के साथ में जुड़ा हुआ एक पंखुड़िया जुड़ी हुई रहेगी और उसके नीचे बेसमेंट के अंदर इसका बड़ा मैग्नेट के बड़ी बड़ी छड़े लगी होगी, जिसके कारण क्या है इसकी हर पर्टिकुलर ऊपर जो पंखुड़िया लगी हुई है हर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसके इमेजिन पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर टर्बाइन के अंदर उसके पास में जो जनरेटर सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक बेहतरीन खजाना, जिसके माध्यम से इस टेक्नोलॉजी के बदौलत 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक खड़ी की जाएगी, जिसके अंदर तकरीबन यानी कि 1 मेगावाट से लेकर के यानी कि तकरीबन 300 मेगावाट तक की भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इसके अंदर वो ताकत छुपी हुई है जो अब तक जितने भी विंड सिस्टम को आपने देखा होगा वहां 1.5 मेगावाट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है, मगर इस सिस्टम के माध्यम से तकरीबन इतने ज्यादा हम लोग हैवी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। इसका मूल कारण है हवा और यहाँ पर मैग्नेट, इन दोनों की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है और इससे किसी भी तरीके से पॉल्यूशन नहीं होगी, और जितनी तरीके की पॉल्यूशन यहाँ क्रिएट हो चुकी है उनको यदि खत्म करना है तो इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। यही वो कारण है जिसके कारण इसका सिद्धांत कैसे काम करता है। यदि आप इनको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने के बाद आपको इस तरीके से पंखुड़िया घूमता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर जो एक चमत्कार वाली बात है उसका जो इसका जो विंडो है इसके अंदर बहुत ही एक अमेजिंग पार्ट छुपा हुआ है, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए ये टूटने वाला नहीं है। कारण क्या है, इसके सपोर्ट के रूप में इसका बिल्डिंग है और इनके बीच में लगा हुआ है इसको कहते हैं विंडो। इस विंडो का काम क्या है, हवा की दिशा नहीं कम हवा हो तो भी इसकी दिशा को चेंज करके उनको घुमाने का काम रहेगा, प्लस हवा ज्यादा हो तो उनको रुकाने का काम रहेगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा तेज हवा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिल जाए तो हमारी टेक्नोलॉजी काम करेगा, जिसके बदौलत हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ कंटिन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो जो चीज मैंने आपको बताई है मेन चीज इसके अंदर इसका जो पंखुड़िया है, पंखुड़िया को घुमाने के लिए इनका जो कंसंट्रेशन एयर प्लस इनके नीचे जो बेसमेंट के अंदर मैग्नेट प्लस इनकी हर टर्बाइन के अंदर जो छुपा हुआ जो इसकी जो जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है जिसके तहत यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग इस टेक्नोलॉजी के बदौलत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर पाएंगे, जो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पवन ऊर्जा के अंदर कभी कर ही नहीं पाए ना कर पाएंगे, क्योंकि एक पवन ऊर्जा के अंदर केवल हम 1.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक ज्यादा से ज्यादा हम लोग बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवल वहां पर बड़ी बड़ी पंखुड़ियां लगी रहती है मगर वहां पर जो सिस्टम है वो केवल एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर काम करके उतनी कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, जबकि हमारे पास में तकरीबन 190 मीटर से लेकर के ऊपर जितनी भी हाइट हो हर पार्ट के अंदर इसका वो जनरेटर सिस्टम लगा हुआ रहेगा, जिसके कारण सबसे ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग कर पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये एप्लीकेशन पॉसिबिलिटीज दुनिया के अंदर जहां जब डिमांड होगी, जहां जैसे अभी आने वाला फ्यूचर के अंदर जहां जैसे तेल का डिपो है, जैसे पेट्रोल हमलावर जो साधन है एनर्जी का वो हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं, वो देखते हैं हमारे पास में ऊर्जा जिसको कहते हैं डीजल पेट्रोल, इनके पेट्रोल पंप हम लोग देखते हैं। तो आने वाले टाइम पे जो फ्यूचर है वो फ्यूचर ये चीजें हट करके इसका चेंज पार्ट होने वाला है। चेंज पार्ट में क्या है कि ये चीजें हम पेट्रोल पंप की जगह पर देखेंगे, हम लोग यहाँ पावर हाउस के रूप में ऐसी छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन के रूप में हम लोग देखेंगे, जहां पर गाड़ी चार्जिंग होती है सारी चीजें, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। तो ये दुनिया समय के साथ में परिवर्तन होता है, तो जिन लोगों ने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया तो समय के साथ में पीछे रह गए, मगर जिन लोगों ने चेंजिंग किया अपने आप को वो समय के साथ में आगे निकल गए। तो दोस्तों आने वाला टाइम का जो फ्यूचर है वो चेंजिंग वाला एक पार्ट है, जिसको हमें आपको एक तरीके की पूरी तरीके से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। विजुलेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्यूचर यानी कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है
वो किस तरीके से दिखेगा। इनका मॉडल यदि आप देखते हैं तो इनका रूप अलग अलग रहेगा, मगर इसकी जो डिजाइन, इसका सिस्टम, इसकी टेक्नोलॉजी, यदि मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी इनका डिटू सेम रहेगा, मगर इनका स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो हो सकता है कि उसमें डिफरेंट भी हो, अलग अलग दिखे भी। मगर इस टेक्नोलॉजी के अंदर कई तरह की खूबी, यहाँ पर एक ही जगह पर आपको एक छत के नीचे सारी चीजें देखने वाले हैं आप, जैसे हेलीपैड सिस्टम हो गया और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आ रही है, तो उनके अंदर एक ही छत के नीचे आपको सारी चीजें यहाँ पर दिखेगी। और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला जो हाउस जब पूरी दुनिया के अंदर जब फैलेगा, तो नो डाउट इस टेक्नोलॉजी की डिमांड पूरी दुनिया के अंदर, इस टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती बढ़ती जाएगी। वाइंड इज एवरीवेयर, हवा हर जगह पे है, तो हम समझ सकते हैं कि जब हवा और इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया को जरूरत है, तो ये हर जगह पे हम दुनिया के हर कोने कोने में लगा सकते हैं, हर सिटी के अंदर, हर गांव में, जहां जहां भी इसकी डेवलपमेंट एरिया है, तो हर पार्ट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हम इसको लगा सकते हैं। ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है कि ये केवल हमें इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ऐसा नहीं है। जहां पर भी इसकी जरूरत है हर जगह आप इसको लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी दुनिया हमारे लिए बहुत बड़ा स्कोप है, पूरी दुनिया में हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट कर सकते हैं। और रही बात इनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल को समझने के लिए आप ऐसा करके समझ सकते हैं कि एक लाइव सेशन का पार्ट है, केवल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जो चीज हम आपको बता रहे हैं, यही चीज हम फिजिकल तौर के फ्यूचर के अंदर, हम लोग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर इसी तरीके के स्ट्रक्चर के साथ में हम डेली के डेली इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला हाउस हम लोग इस प्रारूप में देख पाएंगे। जिनका स्ट्रक्चर मॉडल हम लोग ऐसा देखेंगे, जिनका तद्रूप जहां पर भी इनकी डिजाइन होगी, तो आप इस तरीके का आप आने वाले टाइम के अंदर हाउस देख पाएंगे। जैसे बीच में इनकी टेक्नोलॉजी प्लस चारों तरफ से इनका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे ही घूमेगा तैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो कहने का मतलब एक डेमो पार्ट है, जिनके प्रोटोकॉल से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में जो घर है वो इस तरीके से दिखने वाला है। और इसकी जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया कि विंड और इसके जो स्टेबिलिटी है तकरीबन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यदि मैं पवन के अंदर मैं बात करूं, पवन ऊर्जा के अंदर, तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें केवल इतना है 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से पवन ऊर्जा के अंदर हवा चाहिए, प्लस इनके अंदर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता बहुत कम है। इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन इसकी जो लागत है, तकरीबन एक टावर को लगाने में 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। उसके अकॉर्डिंग में बिजली की कैपेसिटी की मैं बात करूं, मेंटेनेंस को दे करके करीब यहाँ पर मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर खर्चा बहुत बढ़ा है। और यहाँ पर इसके अंदर दुर्घटना भी बहुत सारी होती है, पशु पक्षी वगैरह बहुत सारे मारे भी जाते हैं। मगर उनके अलावा मैं वीटर की बात करूं, दोस्तों इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसमें किसी तरीके से हवा, आंधी तूफान से किसी तरीके डरने की जरूरत नहीं है, और ये हर चीज से आपको बचाव करने का कोशिश करेगा, प्लस बचाव के साथ में क्या करेगा, किसी तरह टूटने फूटने की डर नहीं होगी। यहाँ पर हवा चाहिए कम, क्योंकि यहाँ 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिले तो भी यहाँ रोटेट करेगा, बिजली पैदा करता रहे। मगर इसके नीचे से लेकर के ऊपर तक इनके पार्ट के अंदर हर जगह पर जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का इसके अंदर वो परमिशन, यानी कि वो ताकत है, जिसके अंदर मैं बार बार कहता हूँ 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता इस टेक्नोलॉजी के अंदर है। जबकि ये चीजें कभी पॉसिबिलिटीज हमारे पवन ऊर्जा के अंदर हो ही नहीं सकता। तो ये चीज दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंट है। और आपको हमको पता है कि आज पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, तकरीबन इसका जो आने वाला फ्यूचर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी और विंड के ऊपर इनकी जो टारगेट है 4.5 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की इनका लक्ष्य है। तो हम लोग यदि इस पहलू को ध्यान में रखें तो बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकते हैं और बहुत कुछ हम लोग इस सिस्टम से हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द यूज टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियर, इनके बारे में इतना सा कहूंगा कि सर के जो विजन मिशन वाकई में बहुत स्ट्रांग है, और स्ट्रांग के साथ में यही विजन मिशन जब मैंने देखा तो मेरे को भी ऐसा लगा कि इंटरनल फीलिंग के लिए कि सर इतने सालों से जब इस काम को, टेक्नोलॉजी को इतनी प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन के साथ में लगे पड़े पूरी दुनिया को एक नई चेहरा देने के लिए, तो क्यों ना हम लोग इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, क्योंकि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। तो डेफिनेटली इनकम तो आप सबको चाहिए, इनकम के साथ में किसी का नेम फेम और साथ में विजन मिशन भी अपना क्लियर होना जरूरी है। इस टेक्नोलॉजी को आप देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है, और जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये फ्यूचर के अंदर ये मान के चले कि तकरीबन जिस कंट्री के हम बात कर रहे हैं तो 75 कंट्री के अंदर इसकी फाइल लगी हुई है। इस पेटेंट का फाइल आपको दुनिया के अंदर जब जब ये प्रोसीजर पूरा होता जाएगा आपका मेल के माध्यम से इंफॉर्मेशन आपके पास में आती रहती है। और बाकी यदि कोई चीज और भी जानना चाहते हैं
तो सारी चीज एक एक करके रिपोर्ट करके आप चेक करके देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री में लीगल हो, मतलब पैटर्न मिल चुका है, कौन से कंट्री में भी प्रोसीजर में है। तो कुल मिला के ये है हाउ टू बिकम ए कोनर। हम आप शह मालिक है, शह मालिक का मतलब होता है एक तरीके की हम इसके पार्टनर है, इस बिजनेस के पार्टनर है, इस टेक्नोलॉजी के पार्टनर है, जिसके पास में जितना शेयर है उसका हम लोग एक दूसरे के पूरक है। जब भी प्रोजेक्ट को कहीं पर भी लगाया जाएगा तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो हमारे आपके बीच में बांटा जाएगा। ये काम हम चाहो तो बैंक से कर्जा लेके भी कर सकते थे, मगर यदि बैंक से कर्जा देते तो आज हम लोग यहाँ शेयरिंग पार्टनर नहीं होते। बड़े बड़े उद्योगपति को यहाँ लगा देते तो हम लोग यहाँ शेयरिंग पार्टनर की हिस्सा नहीं देते, ऑनली फॉर हम लोग शेयर खरीद के इनका डिविडेंड फंड का प्रोसीजर में भाग लेते, मगर कभी शेयरिंग पार्टनर की हम लोग हिस्सा नहीं ले पाते। मगर डेनिस की आप दो सोच, आपको इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। डेनिस की जो सोच है कि हमारे सिस्टम को देखने वाला हर व्यक्ति को मिनिमम कुछ ना कुछ उनके पास में मिलना चाहिए, वो हमारा शेयर खरीदे या ना खरीदे। तो आपको पता है जब भी हमारे सिस्टम के अंदर कोई आदमी या रजिस्ट्रेशन करता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में 500 प्री आईपीओ शेयर उनको फ्री में गिफ्ट दी जाती है। इसका मतलब चाहे वो करे या ना करे, खरीदे तो ठीक है, नहीं खरीदे तो भी ठीक है, मगर उनके घर में यदि वीटर का एक शब्द भी उनके घर में पहुंच गया ना तो उनके घर में कुछ ना कुछ इनकम आती रहना चाहिए। दोस्तों उनके पास भी प्री आईपीओ शेयर है, राइट, उनके पास भी प्री आईपीओ शेयर का वो बेनिफिट ले सकता है जब तक ये लाइसेंस कहीं बिकेगा उनका शेयरिंग प्रॉफिट, वो भी लेने के दावेदार होगा यदि उसने केवाईसी कर रखा है। डिविडेंड फंड, ये वो प्रोसीजर है जब हमारा शेयर लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग के बाद में दोस्तों हम लोग जाएंगे डिविडेंड फंड की तरफ। डिविडेंड फंड वो फंड होता है कि जब इनका पूरे आखिरी पायदान होगा, यानी कि आईपीओ के बाद में जब ये लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग के बाद में जब शेयर आपके पास में रुका हुआ रहेगा, तो यही प्रॉफिट आपको डिविडेंड फंड के रूप में पैसिव इनकम आपको देता रहेगा। तो आपको कितना इनकम मिला, दो इनकम, नंबर एक शेयरिंग प्रॉफिट और दूसरा मिला डिविडेंड फंड। एक तरीके की पैसिव इनकम लाइफ टाइम जब तक आपके पास में शेयर पड़ा हुआ रहेगा ये इनकम आपको दोनों मिलता रहेगा। डिमांड की बात मैंने बताई दी है, दुनिया के अंदर एनर्जी सेक्टर का भी फ्यूचर है, और फ्यूचर की मैं डिमांड की बात करूं, जैसे पूरे दुनिया के अंदर 158,3500 की समथिंग यहाँ पर किलोवाट की यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया के अंदर कंजप्शन है। तो ये मान के चले कि यदि हम विंड सिस्टम को प्रॉपर तरीके से गाइड करें, लोगों को समझाए, यदि गवर्नमेंट को इसको दे देते हैं, तो ये मान के चले उसका 50% एरिया कवरेज यदि हम विंड के माध्यम से फ्यूचर में कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मगर एक दुनिया के अंदर एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर हैवी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का यदि कैपेबिलिटी है तो वो विंड के अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूँ वीटर के अंदर इसलिए है क्योंकि इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण ये है कि इसके अंदर किसी तरीके से डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं है, प्लस इनके साथ में एक फायदा और भी है, किसी तरीके से मेंटेनेंस ना के बराबर हो। और इसकी जो डिमांड की मैं बात करूं तो तकरीबन इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की वो किसी भी सिस्टम के अंदर इतना हाई लेवल के अंदर नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर रात दिन 24 घंटा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कंटिन्यू कर पाएंगे। ये सब चीज को देख करके दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ, नो डाउट बहुत इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है और डिमांड सुपर तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिएट होने वाला है। तो तकरीबन ये रोड मैप आप देख पा रहे हैं 2023 या 24 तक के बीच में हम लोग तो हमारी जो स्टेज है यानी कि 14.2 स्टेज है वो तकरीबन हमारी कवरेज एरिया के अंदर हम लोग चले जाएंगे 2023 से 24 के बीच में। ये मान के चले कि जिस पॉइंट को लेकर के हम लोग चल रहे अभी, इसी कंटिन्यूटी में हम लोग यदि कवरिंग करें तो डेफिनेटली कि हम लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इस तरीके से प्रोजेक्ट न्यूज है, हम लोग ये कैटलॉग आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारी इस सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए जिस कंट्री के अंदर न्यूज चैनल और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट जो कैटलॉग है, न्यूज इन्फॉर्मेशन है, सारी चीजें इनके थ्रू आप यहाँ पर एक एक चीज के बारीकी से नोट कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या कि ये जो चीज मैंने आपको बताई है, एक हमारे पास में एक कम्युनिटी है सुभाष जी कमिटी का, तो जिनके तहत आज हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं इतना सा कहूंगा कि ये गोल्डन चांस हम सभी लोगों के लिए है कि जो लोग यहाँ पर अभी एंटर हो रहे हैं तो उनके सभी लोग भी एक मान के चले कि सुनहरा मौका, एक जैसे हम लोग MBBS होते हैं एक MD होता है, एक मान के चले कि एक बस एक पायदान, इस पायदान के अंदर हम अपने रैंक के साथ में नेम फेम के साथ में बहुत सुपरमैन बिजनेस की तरफ हम लोग मॉडल की तरफ हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि ये फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च होगा, डेफिनेटली कंपनी किसको प्रमोट करेगी, कंपनी उनको प्रमोट करेगी जो वाकई में प्रॉपर तरीके से यहाँ कन्वे कर लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है
प्रोजेक्ट कोई ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह लगा दिया तो वहां पर मामला खत्म हो गया, नहीं है। ये पूरी दुनिया के अंदर हजारों लाखों करोड़ों ऐसी जब बिल्डिंगें बनेंगी, ऐसा ये टेक्नोलॉजी लगेंगी, तो वहां पर जरूरत होगी उन लोग नौका हो जो इनके बारे में प्रेजेंटेशन देता हो। तो वो कौन लोग है? ये वो लोग है जो आज यहाँ पर सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर जो अपने आप को एक्टिव प्लस इंफॉर्मेशन उनके पास में स्ट्रांग है। तो ये उन लोगों के पास में गोल्डन चांस होगा जिनके पास में आज यहाँ पर कंटिन्यू लगे हुए, और उन लोगों का सुनहरा भविष्य या फ्यूचर के अंदर देखने का बहुत बेहतरीन तरीके से आप इनको अपने आप को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। बीकन द पार्ट ऑफ द फ्यूचर, इसको आप ऐसा मतलब मान सकते हैं कि जिस तरीके से ये दिया एक छोटा सा दिया के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, मगर जैसे ही ये टेक्नोलॉजी कहीं पर जैसे दुबई में लगा, तो दुबई के बाद लगने के बाद में आपको पता है कि दुबई एक ऐसा कंट्री है जिसको कहते हैं टूरिस्ट पैलेस के रूप में भी कह सकते होंगे। तो यहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं, तो जब भी वहां पर एक प्रोजेक्ट के अंदर लग गया वहां पे, तो होगा क्या, पूरी दुनिया के लोग जब विजिट कर रहे हैं वहां पे, टूरिस्ट के लिए वहां पे आ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का कोई नहीं चाहेगा कि हमारे कंट्री के अंदर लगे। जबकि दुबई के बारे में आपको इतना सब बता दूं, वो कभी भी लास्ट वाला कोई काम नहीं करता है, जो भी करेगा या तो बिल्कुल फर्स्ट पोजिशन में करेगा। तो दुबई यदि पहला प्रोजेक्ट इस तरीके से लॉन्चिंग करता है, आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि हमारे जो मेन ऑफिस अभी कहाँ पे है, फिलहाल दुबई में, राइट। तो दुबई से यदि ये चीजें पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पैमाना मिलता है जाने का, तो यहाँ पर उस दिन इसका ऑरा कितना बड़ा होगा, कितने लोग इसको जानेंगे, किस तरीके इसको लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो नो डाउट इस टेक्नोलॉजी को देख करके डेफिनेटली दोस्तों हमें अपने आप को प्राउड होना चाहिए कि वाकई में जिसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट है, और हमारी फैमिली का भी ब्राइट है, बहुत बड़ा फ्यूचर उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग यूवी इन द फ्यूचर, अभी हम लोग तकरीबन 25,999 पीपल, यानी कि इतने लोग अभी इसके साथ में एसोसिएट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये कम्युनिटी बहुत कम है। जिस दिन थोड़ी सी पैमाना धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, अगले कुछ ही महीनों के अंदर हम इसका 30,000 होने वाले हैं, और ये मान के चलिए कि ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये मान के चलिए 70 या 1 लाख के बीच में जब यह लोगों की संख्या हो जाएगी, तो शायद मुझे लगता है ये शेयर जो है हम लोग उससे ज्यादा हम लोग नहीं ले पाएंगे। तब तक 1 लाख लोगों की संख्या होते होते शायद ये हमारी 14 स्टेज हमारी खत्म हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि गोल्डन चांस हमारे लिए है, और जितना ज्यादा लोगों को दिला सके, खुद का पोर्टफोलियो बना सके, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस होगा। दोस्तों मैं इतना से कहना चाहूंगा, और करीब हमारा 18 मिनट के समथिंग हम लोग पूरा कर चुके हैं, और इसके साथ में हम लोग एक्टिव इनकम के मैं इतना सा पार्ट बताना चाहूंगा। ये गोल्डन इनकम का चांस है हमारा एक्टिव इनकम है। इसको करने के लिए बहुत आसान तरीके से है, ये कोई नेटवर्किंग सिस्टम के माध्यम से, कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है, कोई जनरेशन सिस्टम नहीं है, केवल कमीशन को बांटने के लिए एक सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर बहुत इजी तरीके से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर दो पार्ट के अंदर हमारा पैसा डिवाइड करके दिया जाता है, दो भागों में बांट दिया जाता है। जो इंसान कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई निवेश करता है, तो उसका 60% टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश किया जाता है, और 40% इसकी एक पार्ट एफिलिएट सिस्टम का पार्ट बनाया गया है जिसके तहत हमारे घर में कमीशन का जरिया आता है। जैसे 40% कैसे वो बांटा जाता है उनके बारे में बताना चाहूंगा। डायरेक्ट यदि आपने किसी इंसान को यहाँ प्रपोज किया आपने, तो उससे आपके घर में 10% की इनकम आपके पास में बचत होती है, यानी कि उसके बाद सेकेंड पार्ट है, सेकेंड लेवल से आती है 5%, थर्ड लेवल से आती है 2%। उसी तरीके से आपकी बाकी का जो 23% है, ये 3 लेवल का आपका बढ़ गया 17, बाकी बचा 40 में से 17 चला गया तो बका आपका 23%। ये 23% का डिस्ट्रीब्यूशन ये इंसान देख करके या शक्ल देख करके पैसा नहीं दिया जाता है, इसके ऊपर जितने भी लोग हैं तो वहां पर सबको इक्वल भाषा में, यानी कि वो 23% का जो भी मार्जिन है वो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब वहां पर यहाँ पर एक आदमी को लगा करके भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, यहाँ पर 10 लोगों को लगा के भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, यहाँ पर 100 लोगों की संख्या बना करके बहुत बड़ा पोर्टफोलियो प्लस इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपके पास में दो तरीके का विकल्प आपको मिलता है, सबसे पहले आपको पैसा कमाने का जरिया मिलता है, सेकेंड पार्ट पोर्टफोलियो बनाने का आपके पास में बिना पैसा लगाए आपकी संपत्ति बनाने का अधिकार मिलता है। उसके अलावा लोगों के साथ में या जूम मीटिंग के साथ में धीरे धीरे करके आपकी टीम जब बड़ी हो जाती है, आपके लोगों की संख्या ज्यादा हो जाता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपकी किस्ती पूरी तो होती होती है, साथ में आपका इनकम भी कई गुना ज्यादा आपको डेली के डेली आने लग जाता है। तो दोस्तों ये एक एक्टिव इनकम का पार्ट मैंने आपको शेयर किया है,
और साथ में मैंने पैसिव इनकम वीटर के बारे में शेयर किया है। मैं समझता हूँ कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और आपने कीमती समय जो दिया इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और बाकी का 20 मिनट के लिए मैं दोबारा करके मोहित जी के पास जाऊंगा तो बाकी के थ्रू सुनेंगे। थैंक यू मोहित, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ऑलराइट विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, और आज मैं बताने वाला हूँ आपको इसके प्रोजेक्ट टीम के बारे में। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा और प्रोजेक्ट टीम तक हम लोग चलेंगे। राइट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी। ओके, अभी मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। जस्ट अ मिनट। फंटास्टिक सर, ठीक है विपुल जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओह यस, राइट, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। हम लोग ठीक है, यस बॉस, ये रही स्क्रीन। ओके विपुल जी, दिख रहा है? ओके, तो हम लोग ना एक बार वन बाय वन स्लाइड करते हैं, ठीक है? इधर से स्टार्ट करते हैं और हम लोग धीरे धीरे पूरे के पूरे टीम जो इसके प्रोजेक्ट टीम है उससे हम लोग रूबरू हो जाएंगे, मिलेंगे। ओके, एवन जेनी आईएसवी ये मॉडल मेकर है, राइट, इनकी डिटेल्स अगर जानना चाहें तो इनकी डिटेल्स पर हम लोग क्लिक करके ये इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। ओके, थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, निकिता पेट्रोव ये भी मॉडल मेकर है, मिखेल मैंडवेव मॉडल मेकर, राइट, कॉन्स्टेंट टेराबेकेन मॉडल मेकर, अलेक्जेंडर बालवेव आर्किटेक्चर है ये, राइट, आर्किटेक्ट है। ओके, जॉर्जी जैनमैक्सकी मॉडल मेकर, क्रिस्टीना क्वीन मॉडल मेकर, राइट, ये जो मॉडल मेकर लिखा हुआ है ये वो वाले मॉडल मेकर नहीं है बस, जो हम लोग यस, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह जो होते हैं मिस यूनिवर्स वगैरह होते हैं वैसे मॉडल मेकर नहीं है, ये वो वाले मॉडल मेकर हैं जो हम लोग इनके यस जो डेमो प्रोजेक्ट्स देखते हैं। राइट, आपका गोरोड एलियस का हो गया, गोरोड एलियस का प्रोजेक्ट या वीटर के प्रोटोटाइप या डेमो, उनके मॉडल मेकर हैं। ओके, एंड्री सेवन को मॉडल मेकर, आइगोर मार्कोव मॉडल मेकर, राइट, ये इलेक्ट्रिया एर्माकोवा, बोल जी मेरी आवाज आ रही है? ओके, ये आर्किटेक्ट है, वेरी गुड, ये आर्किटेक्ट है। विक्टोरिया सुधर केना ये भी आर्किटेक्ट है। ओके, एनेस्टिया कैरकोवा ये कॉल सेंटर एक्सपर्ट है, एना कारकोवा कॉल सेंटर एक्सपर्ट्स, विक्टोरिया पैकोमोवा ये भी कॉल सेंटर है, राइट, जॉर्जी फ्रोलोव कॉल सेंटर, ओके, एंटोन लेपिन कॉल सेंटर, फिजान खान, राइट, कॉल सेंटर, ये जो इंडिया का जो कॉल सेंटर है, राइट, ये वो है, ग्लेव मैंचेंको टेक्निकल सपोर्ट है, ओके, अलेक्जेंडर मिलर टेक्निकल सपोर्ट, विक्टोरिया टोलसिन कॉल सेंटर, डारिया गार्लिना कॉल सेंटर, क्रिस्टीना करकोवा कॉल सेंटर, राइट, नेटलिया करन कॉल सेंटर, इलेक्ट्रिना कोस्कोव कॉल सेंटर, राइट, उलीना मार्कोवा कॉल सेंटर, जॉर्जी क्यूमनिव स्टार्टअप ब्रोकर। ओके, ये स्टार्टअप ब्रोकर है, इनको हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा हुआ भी है। ओके, यूरी जेलवेट मॉडल डिजाइनर है, राइट, एनेस्टिया असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यस विपुल जी बहुत अच्छे से जानते होंगे इनको, राइट, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एनेस्टिया, राइट, एंड्री मॉडल मेकर है, राइट, सर्जी सिड्रोव इंटरफेस प्रोटोटाइपिंग, ओके, रस्टलेन बैलास ये आर्किटेक्ट है, मैक्सिम पेरवो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, राइट, देन डेनिस ऑथर एंड डेवलपर, राइट, ऑथर एंड डेवलपर कंपनी के हैं, निकिता मॉडल मेकर, और यस अर्कलेन
Ersov, model maker. Anton Merov, model maker. Right. Roman Gazizov, model maker. Right. Evgeny, model maker. And then ये आ गए हम लोग. Okay, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ. जितने भी हमने इन एम्प्लॉय स्टाफ को देखा, ये जो प्रोजेक्ट टीम हम लोगों ने देखी, राइट, ये प्रोजेक्ट टीम वो प्रोजेक्ट टीम है जिसमें से ये लोग अपने आप में सिर्फ इनका पोजीशंस कॉल सेंटर और मॉडल मेकर जो मोस्टली हमने देखा, लेकिन इसके अंदर भी इनके रैंक्स हैं, राइट, कोई इनको सुपरवाइज कर रहा है, कोई इनको लीड कर रहा है, कोई इनका मैनेजर है इस तरीके से. और इस प्रोजेक्ट टीम में से लगभग हम लोग 80% टीम से हम लोग खुद मिले हुए हैं, राइट विपुल जी, ठीक है? हाँ, तो सबसे अच्छी बात यही है कि इसकी 80% टीम से हम लोग खुद मिले हुए जब हम लोग नोवोसिबिर्स्क रशिया में थे. ओके, ये मैंने, मुझे लगा कि आज एक अच्छा पार्ट है, इसको डिस्कस करना चाहिए कहीं ना कहीं. ओके, और कंपनी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट की तरफ, प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल स्टेप्स की तरफ, स्टेजेस की तरफ, वैसे वैसे कंपनीज जो है अभी रिसेंटली दुबई में ओपन किया ऑफिस, अभी वियतनाम में भी जल्दी ओपन करेगी ऑफिस. मीनवाइल हम लोग ये कह सकते हैं कि जहां पर भी इनके प्रोजेक्ट सैंक्शंस होते हैं, मतलब प्रोजेक्ट की स्वीकार्यता, राइट, एक्सेप्टेंस मिलती है, तो वहां वहां पर ये लोग अपना ऑफिस के साथ ये लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे. ओके, मोर ओवर हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक सिंगल ऑफिस के ऊपर डिपेंड ना होके हम लोग कंट्री वाइज ऑफिस यहाँ पर लेते चले जाएंगे और प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट भी उसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी. ओके, तो ये मेरे पास आज ये कुछ नया अपडेट था आपके लिए, राइट, और इसी तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा नए लाने की कुछ कोशिश करते हैं, राइट. और मैं एक बार फिर से विपुल जी के पास चलूंगा. विपुल जी के पास कुछ ऐसा है जो कि एक एसेट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोग सुनेंगे, राइट. मेरे पास में आज बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, सो विपुल जी प्लीज. सर विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? यस प्लीज प्लीज सर. दोस्तों, इस पॉइंट को मैं थोड़ी सी ऐसा कहना चाहूंगा कि आज जितनी भी तकरीबन हम लोग 58 पार्टिसिपेंट हम यहाँ लोग मौजूद है. कल मेरे डेनिस से काफी देर बात हुई थी, डेनिस टैगलेन से, तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने जो जूम सेशन है, इस जूम के अंदर जितना ज्यादा हो सके धीरे धीरे करके इसकी क्वांटिटी को हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अपनी डेनिस सर को कल हमने इनविटेशन जरूर दिया था कि सर आपको एक बार हमारे जूम सेशन के अंदर आना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है हम रूबरू करके मिलना भी चाहते हैं और सभी से हम लोग मिलाना भी चाहते हैं, राइट, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू काफी दिन से मीटिंग कर रहे हैं. तो कल मैंने जो इन्विटेशन दिया था उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, तो एक बार उनसे दोबारा करके बात करके जब हमारे सेशन के अंदर ज्यादा लोग क्वांटिटी में आने लग जाएंगे तो उस दौरान उनको बुला करके शायद हम लोग इसके साथ में मीटिंग कर पाए. तो इसके लिए क्या कि हमें अपनी तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, जितना ज्यादा लोगों की संख्या हो सके उसके हिसाब से हमें तैयारी करना पड़ेगा. अब रही बात दोस्तों, इतनी सी बात, डेली के डेली अपडेट्स के साथ में जो और भी की एक्टिविटी है तो उसके बारे में इतना सा कहना चाहूंगा, जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इनको बिल्कुल किसी भी कंडीशन में इनको हल्के वे में बिल्कुल ना ले. बहुत से लोग कहना है कि टेक्नोलॉजी जाती है पता नहीं कब क्या होगा, मगर इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास में उतनी ज्यादा शेयर नहीं है, राइट, और हम लोग उतने ज्यादा डिपेंडेंसी की डिपेंड होके खड़े हो जाए कि ये हो सकता है 10 साल तक ये ग्रोथ करता रहेगा चलता रहेगा, नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर आती है मगर प्रॉपर तरीके से जहां पर कंटिन्यूटी जिसके पास में ना हो तो वो क्या कि बढ़िया चीज होने के बावजूद भी उनके अंदर जो मार्केट की जो फीलिंग्स है, उनकी जो एक्टिविटी है जिनके कारण उनकी ग्रोथ रुकी हुई रहती है. तो मगर आज जैसे कोर टीम विटर इंडिया आप लोगों की जो पहचान है, जो आप लोग जो डेडिकेशन के तरीके से लगे हुए हैं, तो ये पूरी दुनिया के अंदर ये मान के चलो कि एक अच्छी पहचान है आप लोगों को मिलती जा रही है. और यही प्रारूप धीरे धीरे करके ये समंदर का उफक है, कभी ज्यादा कभी कम, ये होता रहेगा कंटिन्यू. कभी कोई बिजनेस एक ही लय में कभी भी नहीं चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये बिजनेस होता रहता है.
और हम तो ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के अंदर खूबी क्या है, इसकी सबसे बड़ी खूबी है इनकी डिमांड प्लस ये जो टेक्नोलॉजी है पेटेंट टेक्नोलॉजी है, और ये दुनिया में कोई दूसरा आदमी इसको बना भी नहीं सकता। एक्चुअली क्या कि बेंड हो सकता है कि टेक्नोलॉजी उनकी अलग हो, मगर इस सिस्टम के बदौलत जो चीजें हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं तो ये इसलिए प्रमोट होगी, कहीं पर भी एक दो मॉडल हमारा सक्सेस हो गया तो उसके बाद में हम लोग ज्यादा इसको शेयर को रोक से हम नहीं रोक पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये पोर्टफोलियो के अंदर तकरीबन 21 तरीके की पोर्टफोलियो हम लोग बना सकते हैं। तो उस पोर्टफोलियो की जो एजुकेशन है कि संपत्ति बनाए तो कौन सी जगह पे बनाए, बहुत सारे लोग अभी तक यही बेसिक क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने जिंदगी में देखा कि जिनके पास में 15 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास में केवल एक्सपीरियंस है, उनके पास में संपत्ति बनाने की एक्सपीरियंस नहीं है, केवल पैसा डुबोने की एक्सपीरियंस है, पैसा से पैसा कैसे काम कर रहा है वो एक्सपीरियंस उनके पास में नहीं है। तो जब आपका पैसा वो जिंदा नहीं होगा, मुर्दार की तरह आपके अलमारी की तरह पड़ा रहेगा, तो वो पैसा पोर्टफोलियो के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी कि आपने पैसा तो हो सकता है मेहनत करके कमाया हो, मगर उस पैसे को आपने एक निर्जीव की तरह एक अलमारी के अंदर आपने बंद करके छोड़ दिया, तो दोस्तों आपका पैसा वो जीवित नहीं होगा। जब पैसा जीवित नहीं होगा तो आपका पैसा से पैसा कैसे बने। तो ऐसे करके हम लोग 21 तरीके के पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसके लिए स्पेशल एक सेशन हमें जरूर लेना पड़ेगा कि संपत्ति भी कई तरीके की होती है, संपत्ति कई तरीके की बनाना चाहिए, कौन सी संपत्ति आपको दायरे के अंदर आपको सपोर्ट करता है, और कौन सी संपत्ति कब बनाना चाहिए। बहुत सारी संपत्ति ऐसी होती है, जैसे मैं छोटे एग्जाम्पल के रूप में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, अभी केवल दो चार एग्जाम्पल ही बताऊंगा मैं आपको। ओनली फॉर संपत्ति के रूप में ऐसा करके मान के चलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं संपत्ति बनाऊं तो कौन सा संपत्ति बनाऊं, मेरे पास में इतना पैसा है नहीं, कहां से बनाऊं, किस तरीके से बनाऊं, और कौन कौन से संपत्ति की तरह धीरे धीरे करके बढ़ता जाऊं। दोस्तों ऐसे करके आप 21 तरीके की संपत्ति अपनी जिंदगी में बना सकते हैं, जिसके अंदर कई तरीके की खूबी है। आपके पास में थोड़ी कैश इन वाउचर भी होना चाहिए। कैश इन वाउचर का काम क्या होता है, बहुत सारे काम जिंदगी में ऐसा आता है कि जैसे उस पैसे को ऑन द स्पॉट, कभी जैसे आपके पास संपत्ति तो आपकी बहुत है, करोड़ों की संपत्ति है, मगर ऑन द स्पॉट आप उसको बेच नहीं सकते, उस समय आपका फिजिकल जो आपके पास में एसेट्स के रूप में जो पैसा पड़ा हुआ है वो आपका काम देता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे रियल एस्टेट का, जैसे कोई जमीन है उसको आपने निवेश किया तो वहां पर भी थोड़ी बहुत निवेश कर सकते हैं, मगर उसकी जो मॉनेटरी जो ग्रोथ फंड है वो बहुत कम आता है, उसकी कम से कम 2-5 साल 10 साल के बीच में उसकी ग्रोथ एक्टिविटी देखी जाती है। उस तरीके से हर तिमाही छमाही एक साल का जो ग्रोथ फंड एक्टिविटी के तौर पे यदि आप पोर्टफोलियो को क्रिएट करते जाएंगे तो एक संपत्ति, एक अच्छी संपत्ति की तरफ आप इंडिकेट होते जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है संपत्ति भी समय के साथ में उनकी ग्रोथ को देख करके तब बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह पर पैसा इनकम दे रही है तो सारा का सारा पैसा आपने वहीं पर डाल दिया, ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। उस गलत को ठीक करने के लिए आपका संपत्ति का जो मैनेजमेंट यानी कि पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट है इसके बारे में आपको जरूर ज्ञान देना चाहिए। तो इसके बारे में एक बेसिक हम एक ट्रेनिंग देना चाहते हैं, और उसके लिए तकरीबन हो सकता है कि वो 20-25 मिनट का सेशन रहेगा, उसके अंदर हम पूरी तरीके से उनके बारे में कन्वे कर पाएंगे। अभी इसने 5-10 मिनट के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि सेशन की शुरुआत में जो हम लोग डेली के डेली हमारा पार्ट में हमारे, क्योंकि दो चीज हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक चीज तो बेसिक आपको आज मैं बता दूं कि जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं तो मैं टू दी पॉइंट फैक्ट बता दूं, दुनिया के अंदर पैसा हर किसी को जरूरत है। ये बिल्कुल वो बातें बिल्कुल बेकार है कि सर पैसा तो हाथ की मैल है, ये बात मैं मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। पैसा दुनिया के सब इंसान को जरूरत है, मगर पैसे के साथ में एक चीज और भी चीज मायने रखता है, जो दो चीज यदि आपके पास में पावरफुल तरीके से आपके पास में है, यानी कि आपके पास में धन की ताकत और आपके पास में सुंदरता की ताकत। सुंदरता का मतलब हो गया कि केवल आप सुंदर दिखे, इसका मतलब ये सुंदरता वो नहीं है। सुंदरता का मतलब आपकी अस्त्र शक्ति, जिसको सैन्य बल भी कहते हैं, वो पावर यदि आपके पास में हो तो दोस्तों मोटिवेशन केवल इंसान के शरीर में केवल 2 घंटे तक काम करता है, 1 घंटे तक आप भूल जाते हैं। पर आपके पास में 2 ताकत यदि आपके पास में कंटिन्यू है, जिसको कहते हैं सैन्य ताकत, यानी कि आपके पीछे ताकत है, डरने की जरूरत ना पड़े, और ऐसी चीज आपके पास में एक सैन्य ताकत या फोर्स ताकत आपके पास में है, तो आपके पास में मनोबल से पूछ करके देखिए आपकी विल पावर कितनी बढ़ जाती है। और आपके पास में धन की ताकत है तो उससे पूछ के देखिए कि आपकी शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। बातें बहुत गहरी है,
समझने की आवश्यकता है। ये दो ताकत यदि जिंदगी में आपको मिल जाए दोस्तों, आपके पास में मोटिवेशन से कई गुना ज्यादा दो ताकत जो है वो जिंदगी के अंदर आपको कई गुना आपको ऊपर लेके जा सकता है। और ये सारी चीजें आती कहां से है, ये पोर्टफोलियो संपत्ति आपके पास में, जब बढ़िया खजाने की तरफ आपके पास में एक मालिक बन करके जब उभरेंगे तो दोस्तों ये दोनों चीज आपकी सारी लायबिलिटी को खत्म करता हुआ जाएगा। मेरा कहने का मतलब इंसान को मोटिवेशन केवल है ना कि केवल थोड़ी दिन के लिए जीवित आपको थोड़ी देर के आगे बढ़ा सकता है, पर ये दो ताकत यदि आपके पास में कंटिन्यू है, कौन सी जो मैंने आपको बताया, एक पोर्टफोलियो की ताकत और आपके पास में जो दूसरी ताकत मैंने आपको बताई है, ये दोनों ताकत यदि आपके पास में है तो दोस्तों मान के चलिए दुनिया की सबसे मोटिवेशन आपके अंदर ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है संपत्ति की ताकत बनाने के लिए कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी कि किस तरीके से बनाई जाए, कैसे संपत्ति बड़ा बनाया जाए, दोस्तों हर कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। विल पावर जो आपके अंदर जो डर छुपी हुई है वो डर को सामना करने के लिए केवल दो ही शक्ति आपकी काम करती है, जो चीज मैंने आपको बार बार बताया, पोर्टफोलियो यदि आपके पास में स्ट्रांग होगा तो कोई भी डर आपके सामने डर आपको झुका नहीं सकता। डर से जीतने का बस एक ही विकल्प है कि आपकी पोर्टफोलियो के अंदर आपकी ताकत होनी चाहिए, और ये दो चीज हो गई तो आप किसी से भी नहीं डरेंगे, आपका विल पावर कई गुना ज्यादा बढ़ता जाएगा, कोई मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। ये बातें मैं बिल्कुल मानने के लिए, पैसा हाथ का मैल है, यदि ज्यादा पैसा आप कमाते हो मेरे को देकर के क्यों निकालते हो, ये बहुत सारे लोगों का कहावत होता है कि पैसा तो हाथ का मैल है, ये सब ये कहावत बात है दोस्तों, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं। मैं केवल इतना सा जरूर मानता हूं पैसे को कमाने के लिए पैसे का जब तक मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से आपका पैसा काम नहीं करेगा। बातें सब धरी की धरी, जिस दिन आपका पैसा काम करेगा आपका विल पावर दो गुना तीन गुना चार गुना आपका बढ़ता हुआ जाएगा। ये पॉइंट कहां से बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, ये चीजें जब अपने साथ में फिजिकल प्रैक्टिकल होता है तो दोस्तों वहां पर कोई भाईचारा कोई किसी का सगा नहीं होता है, हर जगह पर आपको धोखा ही धोखा मिलता है। जब आपकी परिस्थिति खराब होती है तो उस समय कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, एक ही चीज आपको सपोर्ट करता है, जो दो चीज मैंने आपको बताई दो ही चीज आपको जिंदगी में हिम्मत देता रहता है इन चीजों के पीछे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य टेक्नोलॉजी में आप लोगों को हम लोगों को एक पोर्टफोलियो के अंदर अपने आप मजबूत के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। इस क्योंकि अब तक तो मोटिवेशन हर जगह सुनते रहते हैं, हर जूम मीटिंग में आप जाकर के मोटिवेशन सुनते होंगे, पता नहीं कई तरीके के उदाहरण आप देखते होंगे कि फला तरीके की आप स्टोरी सुनते होंगे, मगर उससे क्या कभी आज तक आप परिवर्तन हुई है? यदि परिवर्तन हुई है तो कारण क्या है? उसका मेन कारण क्या, जो मेंटेनेंस है, जो जो पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट है, क्या उसे क्यों नहीं सिखाई है? क्योंकि उन्होंने उनको बिजनेस करना है दोस्तों, हमें बिजनेस करना है, बिजनेस के एक पार्ट है टेक्नोलॉजी, मगर इनके साथ में अपने आप को भी मैनेज करना है। जो इंसान बिल्कुल टूटा हुआ है, उनके पास में कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं है, उसको भी हमें खड़ा करना है। जब तक उनके पास में ये दो छोटी छोटी नॉलेज नहीं होगी तो किस तरीके से लाइफ में खड़ा होगा वो? तो मेरा ये सिद्धांत है, मेरा जो पॉइंट है कि दो चीज आपके पास में बहुत फोर्सफुल काम करता है, कि आपके पोर्टफोलियो की ताकत प्लस आपकी सैन्य ताकत, यानी कि इसको कहते हैं जब जिनके कोई सहारा नहीं होता है, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो मेरे पास आज इतना सा है पोर्टफोलियो के बारे में, आज सेशन हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे एक स्पेशल मीटिंग के साथ में, हम लोग बात करना चाहते हैं ताकि पूरी एजुकेशन आपको मिले कि पोर्टफोलियो कहां पर कैसे करके बना लीजिए। All right, fantastic sir, आपने चीजों का कवर अप किया तो होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। राइट, कल हम लोग सेशन में एक बार दोबारा से मिलेंगे, ओके, और कल हम कोशिश करेंगे एक बार बैक ऑफिस का रिव्यू करने का, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।